बेटमा नगर और आसपास के क्षेत्र के श्याम प्रेमियों और दानदाताओं के सहयोग से नवनिर्मित सार्वजनिक श्री खाटू श्याम बाबा के भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बेटमा नगर में कलश और निशान यात्रा के साथ 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शनिवार से शुरू हुआ है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नगर भगवामय हो गया। 22 जनवरी को अयोध्या में विराजेंगे श्री राम और उसी समय बेटमा में विराजेंगे श्री श्याम। जी हां, इसी उद्देश्य से बेटमा नगर के देपालपुर रोड स्थित गुरु कृपा कॉलोनी में जन सहयोग से नव निर्मित नगर व क्षेत्र के पहले सार्वजनिक श्री खाटू श्याम के भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शनिवार को बेटमा नगर में मंदिर से भव्य कलश व निशान यात्रा नगर भ्रमण पर निकली, जो अम्बेडकर चौराहा, सोसाइटी रोड, गौली मोहल्ला, कटकटपुरा, जूना बाजार, त्रिवेणी चौराहा, सागौर रोड होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में रविवार को शाम 7 बजे शाम कीर्तन व सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा व विशाल भंडारा शाम 4 बजे से होगा। प्रथम दिन निकली कलश यात्रा में महिलाएं व बालिकाएं अपने सर पर कलश लेकर चल रही थी। वहीं सुंदर रथ पर सुशोभित खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा मनमोहक थी। सभी श्याम भक्त ढोल व बैंड बाजों की धुन पर झूमते नाचते गाते चल रहे थे। भक्तगण खाटू श्याम बाबा के रथ को अपने हाथों से खींचते हुए खाटू श्याम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा का कई जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा पश्चात महायज्ञ शुरू हुआ, जिसमें यजमान जोड़ों ने यज्ञ पूजन किया। वहीं 22 जनवरी को रामराज यात्रा का भव्य आयोजन भी होगा। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।